फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस आज हम लोग जो देखेंगे वो देखना है आज हम लोग का क्लास है क्लास नाइन्थ का ओके हम लोग क्लास नाइन्थ के होम साइंस को देखेंगे यहाँ पे होम साइंस ये गलत हो गया है एक सेकंड रुक जाइए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे होम साइंस ओके okay, क्या देखना है हमें तो हम लोग होम साइंस नाइन्थ किसका देख रहे हैं तो हम लोग जो है आप लोगों का हम लोग नाइन्थ टेंथ का होम सॉरी नाइन्थ का हम लोग होम साइंस यहाँ पे देखेंगे और आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है तो आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या पढ़ेंगे हम लोग तो गृह विज्ञान का क्षेत्र यहाँ पे पढ़ेंगे ओके okay, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर यहाँ पे हम बात कर ले किसका तो बताएंगे कि ये अगर हम लोग बात कर ले ये क्लास टेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि क्लास टेंथ में गृह विज्ञान का क्षेत्र जो है यूपी बोर्ड यानी कि उनकी बोर्ड के पेपर में गृह विज्ञान का क्षेत्र का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप लोग भी वीडियो को जरूर देखिएगा ओके okay? बहुत ज्यादा है तो आपको है बस को सभी के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे आप एकेडमिक लेवल के लिए हो चाहे आप क्या कहते हैं कंपटीशन लेवल के हो तो सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आज इसमें हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो गृह विज्ञान के क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ एक ही क्षेत्र की बात नहीं होती है मतलब एक स्वतंत्र विषय नहीं है इसमें हम लोग सामाजिक वैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन करते हैं ओके घर अगर हम लोग इसकी बात कर लें घर एवं समाज के समीवेश जो प्रवेश होते हैं उनके समान के लिए कराबों में भाग लेने एवं जो आपके गृहस्थ जीवन होते हैं उनके दैनिक समस्याओं को हल करने हेतु तो भी इसमें अनेक प्रकार के अध्ययन कराए जाते हैं अगर हम इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसका अगर हम लोग प्रथम क्षेत्र की बात कर लेते हैं किसकी प्रथम क्षेत्र की तो वो आप बताएंगे क्या होगा वो होगा गृह प्रबंध एवं गृह कला ओके क्या तो गृह प्रबंध एवं गृह कला इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो क्या आता है उसमें गृह कला का विशेष स्थान होता है क्योंकि घर के समस्त कार्यों को हम अपने उत्तम किसे तो उत्तम ढंग से ओके उत्तम ढंग से करने की जो आ, एक ढंग से संपन्न करने या ढंग से करने का जो हमें ज्ञान देता है वो हमारा गृह विज्ञान होता है ओके मतलब निश्चित साधनों द्वारा अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास क्या होता है तो जो निश्चित साधन होते हैं उनसे अधिक से अधिक कैसे सफलता हम प्राप्त करें इसे ही क्या कहते हैं गृह कला या गृह प्रबंध कहते हैं ओके गृह प्रबंध गृह प्रबंध के उद्देश्यों का व्यवस्थित अध्ययन हम लोग करते हैं और जो होता है ए, क्या कहते हैं इसी गृह प्रबंध में हम लोग आय व्यय बचत जैसे अध्ययनों को करते हैं नियोजन का अध्ययन करते हैं बैंक एवं डाक घर की कार्य पद्धति का अध्ययन करते हैं घर की साफ़ सफाई तथा हानिकारक जो कीट होते हैं क्या क्या अध्ययन करते हैं गृह प्रबंध में तो हम लोग इसी में आप लोग बताएंगे कि मैम इसी में हम लोग नियोजन ओके नियोजन आयोजन आयोजन और इसी में हम लोग अगर बात कर लेते हैं गृह प्रबंध में ही बैंक डाकघर डाकघर की जो प्रबंध व्यवस्था होती है कार्य पद्धति होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं घर की साफ सफाई की बात करते हैं ओके और इसी गृह प्रबंध में जो हानिकारक हानिकारक आपके कीट होते हैं कीड़े होते हैं रोगाण होते हैं उनसे बचने के उपाय का अध्ययन हम लोग करते हैं ओके साथ ही गृह प्रबंध में हम लोग क्या करते हैं तो आप बताएंगे मैम गृह प्रबंध में हम लोग और क्या देखते हैं तो गृह प्रबंध में गृह कला के जो है कला के सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं तो हम लोग इसी के अंतर्गत कला के सिद्धांतों को सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं डिजाइन जो हो गया जैसे कला के सिद्धांत को हम लोग डिजाइन पढ़ते हैं रंग को भी गिर प्रबंध में ही पढ़ते हैं ओके गिर सज्जा के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं और इसी में हम लोग फर्नीचर के बारे में भी पढ़ते हैं किसके तो फर्नीचर के बारे में भी पढ़ते हैं और उसके उचित रख रखाव का भी अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें तो बताएंगे मैम हम लोग गृह प्रबंध में पढ़ते हैं ओके तो ये हम लोग गृह प्रबंध में किन किन चीज़ों को देख रहे हैं अपने घर के साथ सजावट को देख रहे हैं घर जो आपका बैंक डाक घर है उसके कार पद्धति को देख रहे हैं इसी में हम लोग नियोजन का अध्ययन करते हैं घर के जो हानिकारक कीट होते हैं उनके बचाव के लिए अध्ययन करते हैं इसी में हम लोग कला के सिद्धांत डिजाइन रंग का तालमेल पढ़ते हैं गृह सज्जा पढ़ते हैं फर्नीचर के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब हम लोग किसके अंतर्गत कर रहे हैं तो आप बताएंगे मैम हम लोग ये सब गृह प्रबंध के अंतर्गत कर रहे हैं ओके अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है पहला तो हमने देख लिया ओके अब हम लोग सेकंड देखते हैं तो सेकंड में हमारा क्या है तो बताएंगे कि मैम सेकंड में जो है वो क्या है आपका तो आप बताएंगे सेकंड में मैम गृह गणित है ओके गृह गणित में हम लोग क्या करते हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन में जब हम लोग विभिन्न प्रकार के जो हमारी आवश्यकताएं है, होती हैं ओके उसके लिए हमें गृह गणित का अध्ययन यानी कि छोटे मोटे जो हिसाब होते हैं उसके बारे में इसमें अध्ययन कराया जाता है गृह गणित अथवा तो प्राथमिक गणित को भी इसमें सम्मिलित हम लोग करते हैं ओके गृह संबंधी जो है या ज्ञान जो है दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होता है तरह तरह के हम लोग हिसाब किताब रखते हैं बैंक के लेन देन की बात हो जाए चाहे ब्याज की गणना करना, करना हो जाए ओके okay? चाहे आपकी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हो तो इन सभी चीजों के लिए हमें गृह गणित की आवश्यकता पड़ती है ओके okay? अगर हम लोग सिकंड थर्ड की बात करते हैं हमारा तीसरे नंबर पे क्या आता है तो आप बताएंगे कि मैम तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आहार एवं पोषण ओके okay? आहार एवं पोषण तो आहार एवं पोषण भी एक क्या है एक विस्तृत विज्ञान होता है और इसको हम लोग गृह विज्ञान में पढ़ते हैं इस विज्ञान के दो पक्ष होते हैं प्रथम आपका आहार होता है दूसरा आपका क्या होता है पोषण ओके पहले तो हम लोग आहार के बारे में बात करते हैं आहार के तत्वों के बारे में जानते हैं ओके क्या करते हैं पहले में हम लोग क्या करते हैं अगर आहार की बात कर ले तो यहाँ पे पहले हम लोग आहार के जो कार्य होते हैं ठीक है आहार के कार्य के बारे में देखेंगे प्लस हम लोग उसके तत्व के बारे में पढ़ते हैं आहार के तत्व में पढ़ेंगे ओके मैं तत्व की आहार की बात कर रही हूँ और उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है ये किस में पढ़ रहे हैं आहार के बारे में हम लोग देखते हैं और साथ ही अगर पोषण की बात करते हैं इसमें संतुलित आहार क्या होता है ठीक सबसे हम लोग का पेपर में आप लोग का बहुत पूछा जाता है संतुलित आहार किसे कहते हैं ओके तो आहार और उसके बाद रोगों और आहार आयोजन के बारे में पढ़ते हैं किसके तो आप बताएंगे मैम आहार आयोजन के बारे में बात करते हैं हम लोग और उसके जो है पाक क्रिया जो पाक क्रिया की प्रणाली होती है खाद्य एवं खाद्य पदार्थों का संरक्षण देखते हैं हम लोग पाचन एवं पोषण की जो है पर जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओके तो इन सब बातों का अगर हम लोग देखें तो हम व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व होता है एक आहार से संबंधी ओके okay, तो ये इस किसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग आहार एवं पोषण के बारे में देखते हैं और ये हमारा जो है गृह विज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है यानी कि एक हमारा पेपर के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं ओके okay, अब हम लोग अगर फोन नंबर की बात फोन नंबर कह रहे हैं अगर हम लोग जो है किस किस नंबर की बात कर लेते हैं फोन नंबर की बात कर लेते हैं तो फोन नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं तो फोन नंबर पे जो हमारा है वो हमारा क्या है तो वो है प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह प्रचर्या क्या है प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह प्रचर्या तो घर में या घर के बाहर कभी कभी हम लोग को काम करते समय कोई क्या हो जाता है दूर दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना होने के बाद तुरंत तो डॉक्टर उस स्थान पे उपस्थित नहीं होते हैं ना तो उपस्थित नहीं होते हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है जिसे चोट लगी या कोई और प्रॉब्लम हो गई है तो उन्हें तुरंत हमें आवश्यकता देने की आवश्यकता होती है तो जो ये हम लोग डॉक्टर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर आने से पूर्व जो चिकित्सा देते हैं वही हमारा क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है ओके इसका भी हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत तो आप बताएंगे मैम गृह विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं इसके गृह विज्ञान इसके सिद्धांतों और उपायों का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं प्लस हम लोग क्या करते हैं जो एक रोगी व्यक्ति है उसकी कैसी सेवा कर सकते हैं उसका जो परिचर्या होती है उसे क्या क्या करना चाहिए तो ये सारी चीज़ हम लोग गृह प्राथमिक चिकित्सा गृह परिचर्या में पढ़ते हैं ओके ये भी हमारे गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग होता है या महत्वपूर्ण क्षेत्र आप लोग कह सकते हैं ओके अब हम लोग फाइव नंबर को देखते हैं तो फाइव नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो फाइव नंबर में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे तो बताएंगे मैम हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध के बारे में पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं तो बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध के बारे में पढ़ते हैं इस इस विषय के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं जो शिशु के जन्म से लेकर उसके कार्म जो कर्मिक विकास होता है उसका अध्ययन करते हैं आप लोगों को भी पता है कि हम लोग बाल विकास में जो है एक बालक के बारे में पढ़ते हैं उसके मातृ जो है मातृत्व के बारे में पढ़ते हैं बालक का विकास कैसे हो रहा है उसका शारीरिक विकास की बात करें या भावात्मक विकास की या बाल भाषागत विकास की बात कर लें या सामाजिक विकास किसी भी क्षेत्र की अगर हम लोग विकास की बात करते हैं तो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैम हम लोग गृह विज्ञान के क्षेत्र में इसको पढ़ते हैं गृह विज्ञान का एक ये अंग है ऐसा हम लोग कह सकते हैं ओके okay, तो बाल विकास में हम लोग शिशु कल्याण के सभी महत्व को पढ़ते हैं उसके विकास के सभी पहलुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं ओके okay, गर्भाधान से लेके मृत्यु प्रत्येक तक उसका जो भी विकास होता है चाहे वो आपका धनात्मक हो या ऋणात्मक हो उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं तो आप बताएंगे मैम उसका अध्ययन हम लोग बाल विकास में करते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान क्या है तो आप बताएंगे मैम इसमें आपका शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान है तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है आप लोग के अगर पीजीटी पीजीटी की बात करें तो उसमें भी ये एक पेपर के रूप में और उसमें जो है इसके रिलेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ओके तो जो है ये इसका हमारे विषय किसका अध्ययन क्षेत्र है तो आप बताएंगे ये मैम गृह विज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है इसमें हम लोग क्या करते हैं जो शरीर की रचना होती है ठीक है उनके अंगों की बनावट हो गई विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली हो गई शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी ओके और उसके बाद इसी में आपका उसके महत्व का हम लोग अध्ययन करते हैं जैसे आपका क्या क्या होता है आपका इसी में पाचन तंत्र आता है ओके okay, क्या आएगा तो बताएंगे इसमें आप लोग का आप लोग का पाचन तंत्र हो गया और प्लस क्या हो गया श्वसन तंत्र हो गया ठीक है तंत्रिका तंत्र हो गया तंत्रिका तंत्र हो गया आपका रक्त जो है रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया ठीक है उपसर्जन तंत्र हो गया आपका तो इन सब जो है प्रणालियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं तो आप बताएंगे मैम हम लोग फिजियोलॉजी यानी कि जो है शरीर विज्ञान के अंतर्गत करते हैं अगर हम यहीं पे बात करें स्वास्थ्य विज्ञान की किसकी तो स्वास्थ्य विज्ञान की अगर हम लोग बात कर लें तो स्वास्थ्य विज्ञान में हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के सभी नियमों को हम लोग अध्ययन करते हैं साधारण जो रोग होते हैं उनके लक्षणों का भी अध्ययन करते हैं स्वास्थ्य विज्ञान में उनके कारण क्या होंगे उनके बचने के उपाय क्या होंगे शरीर की साफ सफाई कैसे करें विश्राम कैसे व्यायाम विश्राम इन सब के महत्व को हम लोग स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं आई होप आप लोग समझ गए होंगे शरीर विज्ञान किसके बारे में हम लोग देखें तो शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में देखें तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है बैक्टीरिया विज्ञान ओके हम लोग पढ़ते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं जल से फैलने वाले रोग जो कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वायु से फैलने वाले रोग बैक्टीरियाज जो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जैसे आप लोगों का विज्ञान की अगर हम लोग आधुनिक खोज की बात करें तो विभिन्न बैक्टीरियाज हो गए आपके या जो है अड़ू जीव जिसे हम लोग अपने नंग आंखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म दृश्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग उसे देखते हैं उनके अध्ययन भी हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हमारा साइंस जो है इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है ओके तो हमारे आहार एवं स्वास्थ्य से घनित संबंध है इसका क्योंकि बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ जो हमें हानि पहुंचाते हैं सॉरी uh, जो हमारे लिए अनुकूल भी होते हैं ओके तो इनका हमारे ऊपर जो होता है अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है हम जो है यहाँ पे दोनों बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं किस किस में अध्ययन करते हैं तो बैक्टीरिया जो है विज्ञान में हम लोग देखते हैं ठीक है कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो जो भोज पदार्थों की पौ, पौ जो है पोषक ता को बढ़ा देते हैं यानी उसकी पौष्टिक मूल्य को भी बढ़ा देते हैं और हमें वो अच्छा देते हैं जैसे हम लोग दही की बात कर ले तो उसमें भी बैक्टीरिया से ही दही बनता है क्या होता है दही भी आपके बैक्टीरिया से ही बनता है बट वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होकर वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि क्या होता है हमारे लिए दही जो है वो पाचन शक्ति को हमारे बढ़ाता है कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोग को भी फैलाते हैं ओके कुछ उनके बचने से लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं तो ये सब जो बैक्टीरियाज के बारे में हम लोग अंदर बैक्टीरिया विज्ञान में करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान एवं परिधान इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं तो बताएंगे मैम इसके अंतर्गत जितने भी वस्त्र विज्ञान से संबंधित तंतु होते हैं उनके निर्माण की जो समस्त विधियाँ होती हैं उनकी परिक जो होती है या परिसज्जा देख लिया जाए उनके रख रखाव हो जाए उनका संग्रह हो जाए उचित प्रकार की उनकी धुलाई हो जाए व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं इसके अतिरिक्त अगर हम लोग परिधान में बात करते हैं तो परिधान विज्ञान के अंतर्गत हम वस्त्रों के चुनाव की भी अध्ययन करते हैं उनकी कटाई सिलाई सज्जा आदि का भी अध्ययन हम लोग वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है टॉपिक है वो क्या है तो आप बताएंगे मैम हमारा है मातृकला एवं शिशु कल्याण ओके okay, मातृकला एवं शिशु कल्याण में भी हम लोग मातृकला एवं शिशु कल्याण के सम सब, जो सब समाज में महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक माना जाता है इन तत्वों का अध्ययन हम करते हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रों में मातृकला एवं शिशु कल्याण को भी हम लोग सम्मिलित करते हैं इसके अंतर्गत जहाँ एक और महिलाओं द्वारा गर्भ धारण करने के लक्षणों ठीक है गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और प्लस इसमें हम लोग क्या समझ सम्मिलित करते हैं तो हम लोग इसमें सम्मिलित आहार व्यवस्था हो गया किसका तो जो हमारी गर्भवती स्त्री होती है उनके आहार व्यवस्था को भी हम लोग इसमें देखते हैं प्लस हम लोग उनकी जो देख रेख होती है ठीक है देख रेख की बात करते हैं वो भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मातिकल्याण शिशु कल्याण में पढ़ते हैं ओके और यहीं पे अगर हम दूसरी ओर बात कर ले तो इसमें प्रसव की तैयारियों के बारे में भी हम लोग बात करते हैं और आवश्यक सावधानी यानी प्रसव के समय क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए परसों उपरांत स्त्रियों की देखभाल या सेवा अप्रशुता के बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं किसमें तो हम बात करते हैं मातृकला में ओके और अगर हम लोग बात करने, हम लो कर लें मातृकला के अंतर्गत ही हम लोग शिशु कल्याण संबंधी भी ज्ञान का भी अध्ययन करते हैं इसमें हम लोग जो नवजात हमारे शिशु होते हैं क्या होते हैं तो हमारे जो शिशु कल्याण की बात करेंगे तो इसमें जो हमारे नवजात आपके नवजात शिशु होते हैं उनका अध्ययन करते हैं ठीक है शिशु होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और क्या कहते हैं साथ ही उनके देखभाल का अध्ययन करते हैं उनके आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों का भी अध्ययन करते हैं तो ये सारे जो तथ्यों का अध्ययन समुचित हम कर रहे हैं ये बाल विकास के अंतर्गत करते हैं यानी कि टेस्टाइल सीडी के अंतर्गत करते हैं तो अभी हम लोगों ने क्या देखा तो हम लोगों ने अभी आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपका गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र जो कि आपके पेपर आप व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व जो कि ये पेपर आप व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं नाइन्थ क्लास के सारे यानी कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाली हूँ बिल्कुल वो भी फ्री क्लास में तो आप लोग को पूरा बेनिफिट मिलेगा तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और साथ में शेयर करिएगा ओके और शेयर करिएगा अपने क्लासमेट के साथ ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय